अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं एक और स्नैक जो कि आपका दिल। तो ये स्नैक बहुत लाइट बनता है, इसका नाम है श्रिम्प्स ऑन टोस्ट। तो इसके लिए आपको श्रिम्प्स चाहिए। यहाँ पर मैं किंग प्रॉन इस्तेमाल कर रही हूँ, डीवेन किए हुए और बिल्कुल साफ़ और वॉश्ड हैं। और बाकी चीज़ जिसमें मसाले जाएंगे वो कुटी हुई काली मिर्च दस क्रश ब्लैक पेपर, कुटी हुई लाल मिर्च दस क्रश रेड चिली, अंडा जाएगा दस एग बीच में, सॉल्ट यानी कि नमक, बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल है बीच में। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो नोर की चिकन की क्यूब होती है वो इस्तेमाल कर रही हूँ, प्लेन फ्ला यानी कि मैदा, कॉर्न फ्ला या कॉर्न स्टार जो आप इसको बुलाते हैं, ये सिर्फ इस्तेमाल होता है सूप को गाढ़ा करने के लिए। और पानी का थोड़ा सा इस्तेमाल है। ब्रेड के स्लाइसेस आपको चाहिए होंगे, साइडें जो ज़ाया मत कीजिएगा, रहने दें। और इसको आपने ट्राइंगल की तरह चार चार हिस्सों में यूँ काट लेना है जो मैं कर चुकी हुई हूँ। और इसके ऊपर जो है थोड़ा सा सेसमी सी यानी कि तिल डालेंगे। इसको डीप फ्राई किया जाता है। आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह। चॉपर लेंगे, उसमें मैंने प्रॉन्स डाल दिए हुए, तमाम चीजें यहीं पर जाएंगी, कुटी हुई काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च क्यूब जो है यहाँ पर, इसको यूं थोड़ा सा क्रम्बल करके डाल लेते हैं। नमक जाएगा, प्लेन फ्ला, कॉर्न फ्ला चला गया, थोड़ा सा पानी जाएगा बीच में, अंडा। देखिए यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इस तरीके से आप इसका ये बैटर बना करके फ्रिज में रख सकते हैं। जब आपने इसको फ्राई करना होगा ब्रेड पर लगाकर, तब आप इसमें बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करेंगे। पहले आपने बेकिंग पाउडर नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि मैं तो अभी स्ट्रेट अवे इसको बनाने लगी हूँ, तो मैं यहीं पर जो है बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करूँगी। और इसको अच्छी तरह चॉपराइज कर लीजिएगा कि बिल्कुल एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। यहाँ पर आपको टेक्स्चर दिखा देते हैं, इस तरीके से होगा, जिस तरह स्प्रेडेबल होना चाहिए, लिक्विड नहीं होना चाहिए। तो ये देख लें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आप यहाँ से ये लेंगे और इसके ऊपर आपने जो है इस तरीके से इसको स्प्रेड कर लेना है। ज़्यादा नहीं लगा रही, सिर्फ ये देख लें मीडियम सा आप इसको लगाएंगे इसके ऊपर, बट देन इट्स योर चॉइस अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं या कम। और इसके ऊपर जो है हम थोड़े से तेल लगा लेते हैं और इन्हें इस तरीके से तैयार कर एक साइड पर रख लें। और तेल रख लें आप गर्म करने के लिए, क्योंकि हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। तेल आपने गर्म कर लेना है और जो फिलिंग वाली साइड है वो आप नीचे को रखेंगे। और आपने इनको फ्राई करना है मीडियम टू हाई पर रख करके, जब तक ये परफेक्टली गोल्डन हो जाए दोनों साइड पर। और फिर टिश्यू पर आप रखेंगे इन्हें ताकि एक्सेसिव ऑयल रिमूव हो जाए, और फिर हम इसे डिश आउट कर लेंगे। इसकी एक साइड फ्राई हो चुकी हुई है और आपने ध्यान से देख लें, इसको यूँ साइड्स को चेंज करते चले जाना है ताकि दोनों साइड्स परफेक्टली इवनली गोल्डन हो जाए, और फिर हम इन्हें डिश आउट करेंगे। आप इसे सर्व कर सकते हैं विद स्वीट चिली सॉस, स्वीट चिली गार्लिक सॉस या हॉट सॉस, आपकी अपनी चॉइस पर है। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे विच इज कुक विद फाइजा.net पर। बनाइए, पाइए आपको कैसा लगा, दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।